अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये आ गई फिर से चीनी खाने के लिए, और चीनी तो है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। ओ ओ अब क्या करेंगे बेटा। तो यहाँ पे जो है, मैंने रात में लाइबा ने मिलके पूरे घर की सफाई, यानी कि सारी दीवारें वगैरह, और ये पंखा थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रहा था वो साफ़ किया, सारे बर्तन स्टैंड के धोए, जो फालतू चीज़ें थी यहाँ इतना सब गंदा हो रहा था ये सब फ्रेश धोया, और ये सब ये सेटिंग चेंज करी, यहाँ साबुन वगैरह रख दिए सब। तो बहुत ही जो है ना थक गए थे रात में। हम लोग देर से सोए, तकरीबन 3 बजे सोए हम लोग। और दूसरी बात, फिर जब लाइबा और बच्चों ने मिलके सारा काम किया है, तो फिर मैंने इन लोग को एक एक रोल खिला दिया। मैंने कहा चलो क्या याद करोगे, तो जो है ना यहाँ चाय चढ़ा रहे हैं, नाश्ता इतवार है, वो भी चीनी ख़त्म हो गई ना निकलेगी, तो नाश्ता चढ़ रहा है, उसके बाद जो है देखते हम क्या होता है। ये देखिए वीडियो में वो मेरी मुन्नी को, इसने ये रिंग पहनी है, ये ब्रेसलेट पहना है, और कौन सी रिंग, ये वाली भी रिंग पहनी हो, और क्या पहना है, ये पहना है, और शर्ट देखें इतनी गंदी, वो हो नखरे। कहाँ जा रही है शादी में? नेकलेस भी पहना है। मुन्नी शादी में जा रही है, इधर दिखाएं नाभिया। तो ये लोग चुपके चुपके वीडियो बना रहे हैं, और ये लोग अनाबिया को सिपारा पढ़ा रहे हैं। इसकी चौथी जी जवान से अलिप अलिप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे किचन में है मेरे स्टाइल से ये काली मलका मसूर की दाल, इसको आप कुछ भी कहें, यानी कि काली मलका मसूर की दाल कहें, या फिर काली दाल कहें, या जो भी छिलकों वाली दाल कहें। खैर यहाँ एक पाव जो है दाल ले ली है, और 1.5 प्याज लूँगी मैं, प्याज से अच्छा जायका आता है। ये छोटे छोटे 2 टमाटर ले लिए, हरी मिर्चें, और इमली डलेगी, हल्दी, लाल मिर्च, और सबसे एंड में नमक डलेगा। अब इसको किस तरह चढ़ाएंगे मैं आपको बताती हूँ, और बहुत मज़े की बनती है, बहुत कम लोग इस तरह बनाते हैं इमली वाली दाल, लेकिन हमारे स्टाइल में ऐसे बनती है। तो आज हम इसको बना के दिखाते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। पूरी दाल मैंने ले ली है 1 पाव के करीब, ये देख सकते हैं आप। वैसे तो 1.5 पाव बनती है मेरे यहाँ, दोनों टाइम खाई जाती है। अब अभी मेरे पास 1 पाव थी, इसलिए मैंने 1 पाव दाल ले ली। अब मैं इसको धो के भिगो लूँगी, यानी कि धो के चढ़ाऊँगी। व्यूअर्स देख सकते हैं आप, मैंने ये दाल धो ली है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है खारा पानी है, ठीक है, यानी कि मिक्स पानी है, मीठा पानी नहीं है, इसलिए मैंने इसको धो के पानी बिल्कुल हटा दिया है। अब जो है मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूँ, 1 पाव में 2 से 2.5 गिलास, एक और गिलास दो, सही है, 1 गिलास मैंने डाल दिया है, ये दूसरा गिलास डल रहा है, सही है, बल्कि एक और गिलास डलेगा वरना ना वो जल जाएगी। अच्छा, ये कुकर आप देख रहे होंगे, कुकर मेरा सही नहीं है, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि सिर्फ ढकना ही ढाकूंगी मैं इसको, कुकर को पैक नहीं करूँगी। तो ये 2 गिलास डल गए, और ये तीसरा गिलास डल रहा है, तीसरा गिलास इसलिए 1 गिलास खुश्क हो जाएगा तो बाकी दाल के लिए रह जाएगा। ये मैंने 3 गिलास ऐड कर दिया, ये वाले 3 गिलास पानी पीने वाले, ठीक है। अब मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ बताती हूँ। देख सकते हैं मैंने 2 जो प्याजें ली थी ना, उसमें से 1 रोक ली है मैंने, 1 ही डाली है, काफ़ी है 1 पाव के लिए, 1 प्याज ठीक है, और 2 टमाटर लिए थे इसलिए 1 ही काफ़ी है, तो 1 टमाटर डाल देंगे, और इसमें ये हरी मिर्ची डाल देंगे, अब इसमें लाल मिर्च और हल्दी डाल देंगे, ठीक है, और नमक बिल्कुल ऐड में डालेंगे, और इमली, ठीक है। अब इसको चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद पकने का वेट करते हैं, गलने का वेट करते हैं। तो मैंने दाल चढ़ा दिया, आप देख सकते हैं इसको मैंने ढका नहीं है, साथ ही चावल भी भिगो दिए, चावल भी पक जाएंगे। इसके तड़के के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ज़ीरा, जो घर में ही मौजूद है, और ये कड़ी पत्ते, थोड़ा सा लहसुन, और ये गोल वाली मिर्चें, ठीक है, बीज नहीं डालेंगे वरना पट 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 होती रहेंगी। तो ये हो गया तड़के का सामान, ठीक है, ये हो गया तड़के का सामान हमारे, तो तड़का भी इसका लगेगा,
चावल के साथ जब दाल खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये एंड में यूज़ होगा, तो थोड़ी देर में मिल। ये देखें हाफ पानी इसका बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है और हाफ डन हुई है, पूरी भी डन नहीं हुई, तो मैं इसमें एक चमचा जो है नमक ऐड कर दूँगी, ठीक है। फिर इसको दोबारा से ढक के गलने के लिए रख दूँगी। ये देख सकते हैं ये इस स्टेज पे गल गई है, इसको मैंने गला लिया है, ठीक है। अब इसको घोट लेंगे, घोटने के फौरन बाद जो है मैं इसमें इमली ऐड कर दूँगी, ठीक है। और अच्छी तरीके से घोटना है, कुछ लोग नहीं घोटते हैं लेकिन हम लोग घोटते हैं ताकि थोड़ी सी मिक्स हो जाए, ठीक है। इमली भी बहुत महंगी हो गई, जहाँ 5-10 रुपये में इतनी सारी आ जाती थी, अब जो है इमली महंगी हो गई, तो मैंने ये ऐड कर दिए 6-7 दाने इमली के। इसके बाद घोट के थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैं तड़का लगाऊंगी। ये फाइनली हो गई है दाल, ठीक है। ऐसे मैंने खड़ी खड़ी थोड़ी रखी है क्योंकि जो है ना दाल में भी तो, चावलों में भी तो दिखे। और ये दाल हो गई, अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। घी लिया है मैंने, थोड़ी सी गोल वाली मिर्चें और ज़ीरा और ये लहसुन, ये डालती हूँ फिर तड़का लगाती हूँ। ये लग गया है तड़का, ज़ीरा और लहसुन और गोल वाली मिर्चों का, अब मैं इसमें दाल में डाल दूँगी, फिर मिक्स करेंगे। बस ये है मेरे दाल चावल का फाइनल लुक। ये डालते हुए दाल यहाँ गिर गई और ये दाल चावल साथ सैलेड है, प्याज व्याज मैं बाद में काटूँगी और ये हरी मिर्च के साथ मैं लाजमी खाऊँगी, तो बहुत मज़ा आएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, असर हो गई है, नमाज भी पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।